गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल अकेडमी बम्बोरा. टुडे आई एम टीचिंग यू लेसन नंबर टू फ्रॉम ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, डैट इज़ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट्स, यानी कि उल्टा, है ना, उल्टा अर्थ वाले. तो अपोजिट्स आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत तो आते हैं, क्लास फोर तक आपने बहुत कुछ सीखे हैं, है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉट इज़ अपोजिट्स, वॉट इज़ एंटोनिम्स. The word which have opposites meaning which each other are called opposites words or antonyms. एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द जो हिंदी में कहा जाता है उल्टा, या फिर इंग्लिश में अपन बोलेंगे antonyms. और एक और वर्ड इसका opposites. जैसे कि आपको पता है गुड का बैड होता है, तो बैड जो है वो गुड का अपोजिट है. इसी तरीके से बस अब आ जाते हैं कुछ अलग टाइप के अपोजिट्स देखते हैं. जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जब हम अपोजिट बनाते हैं तो केवल डिस लग जाता है, डी आई एस. जैसे लाइक है, लाइक का हो गया डिसलाइक, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट. अब ये कोई पर्टिकुलर वर्ड्स कुछ हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन कोई इसका रूल नहीं है कि नहीं ये वर्ड होगा तो उसके साथ ऐसा लगेगा, ये हमें लर्न ही करने पड़ेंगे. सेकेंड टाइप है सब अपोजिट्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय एडिंग अन. कुछ ऐसे होते हैं जिनका जब हम अपोजिट बनाते हैं तो उनके साथ में अन लग जाता है. जैसे कि काइंड अनकाइंड, हैप्पी अनहैप्पी, लक्की अनलक्की, इस टाइप से. थर्ड टाइप, सम अपोजिट्स वर्ड्स आर फॉर्म बाय एडिंग इन. कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ में इन लग जाता है, पहले इन बाद. जैसे करेक्ट इनकरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, दिस टाइप. नाउ फोर्थ, सम अपोजिट्स वर्ड्स आर फॉर्म बाय एडिंग मिस. कई जगह होता है मिस लग जाता है स्टार्टिंग में, यूज मिस यूज, फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून. सम अपोजिट्स वर्ड्स आर फॉर्म बाय एडिंग इर इल इम. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ में इर भी लग जाता है, इम भी लग जाता है, इल भी लग जाता है. जैसे रेगुलर इरेगुलर, तो यहाँ पर आई आर लगा है. लीगल इलीगल, पॉसिबल इम्पॉसिबल. तो ये अलग अलग तरह से, ये आपको लर्न, अपोजिट्स बनाने का कोई रूल नहीं होता है, अपोजिट्स तो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं. इसीलिए ये चैप्टर में अभी आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप जितना हो सके, आपको अभी हम अपोजिट्स लर्न करने के लिए देंगे, वो आपको लर्न करने हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ एडिंग लेस, जिनके साथ में लेस एड, जैसे यूजफुल है, यूजफुल का हो जाता है यूजलेस, लास्ट में एड होता है. सम अपोजिट्स वर्ड्स आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड. जैसे कि इनसाइड है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले वर्ड से पहले लगने वाला वर्ड है उस, वो चेंज हो जाते हैं. इन की जगह यहाँ आउट हो गया, इन की जगह यहाँ आउट हो गया है. इनसाइड आउटसाइड, इनडोर आउटडोर, ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल वर्ड ही डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे गुड का बैड, कम का गो, वीक का स्ट्रॉन्ग, क्लोज का ओपन. तो अभी हम आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, वो आपको लर्न करने हैं. जैसे मेरे साथ साथ एक बार आप बोल लेंगे, अफ्रिड यानी डरना, ब्रेव बहादुर, एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ, स्मॉल बिग, ब्लैक वाइट. जो टफ लगेंगे उसकी मैं हिंदी बता दूंगी आपको, डीप गहरा, शैलो यानी छिछला, लास्ट फर्स्ट, डर्टी क्लीन, मैनी यानी बहुत, फ्यू यानी कुछ. लाइक डिसलाइक, राइट लेफ्ट, बैड गुड, हाई यानी ऊंचा, शॉर्ट में छोटा, गिव देना, टेक लेना, इविल इविल यानी बुराई, गुड यानी अच्छा, इविल यानी होता है बुराई, वरिड चिंता करना, केयर फ्री यानी बिल्कुल मस्त रहना, ग्रेट लिटिल, स्टूपिड इंटेलिजेंट, लाइट डार्क, ओल्ड न्यू, नियर फार, लेफ्ट राइट, क्रूल मिरिशफुल. क्रूल का मतलब होता है बहुत, जो क्रूर का क्या बोलेंगे कि जो बहुत खराब व्यक्ति होता है ना, जो लोगों पे बिल्कुल भी दया नहीं रखता है. और इस मर्सीफुल का मतलब होता है जो दया रखने वाला है. ओवर अंडर, पुअर रिच, मॉर्निंग इवनिंग, फॉरगेट फॉरगेट मतलब भूलना, रिमेंबर याद करना, विक्ट्री मतलब जीत, डिफीट मतलब हार, एबल इनकैपेबल, एबल मतलब योग्य होना और इनकैपेबल मतलब अयोग्य, गो कम, बिजी इडली, बिजी मतलब बहुत ही व्यस्त व्यक्ति, इडली का मतलब होता है जो
बिल्कुल लेजी किस्म का व्यक्ति होता है, एडली है ना, सैड, हैप्पी, करेक्ट, रॉन्ग, नाइट, डे, स्टॉप, स्टार्ट, फ्रेंड, एनिमी, लॉन्ग, शॉर्ट, फॉल, राइज. फॉल मतलब गिरना, राइज मतलब उगना, प्लेजेंट, सुहावना, अनप्लेजेंट, जो असुहावना, टॉप, बॉटम, सेम, डिफरेंट, ओपन, क्लोज, लॉयल, डिसलॉयल. लॉयल मतलब वफादार. बाय, खरीदना, सेल, आफ्टर, बिफोर, फ्री, डिपेंडेंट, ऑफन, सेल्डम. ऑफन मतलब प्राय, अक्सर ऐसा होता है. सेल्डम मतलब कभी कभी. यूज, मिस यूज, अपीयर, डिसअपीयर, इजी, डिफिकल्ट. अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप द अपोजिट्स वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. वन डे शिवम एंड नितिन गो अप. लेट है तो उसका क्या होगा, अर्ली. इसी तरह आपको जो दे रखे हैं उनके आपको इधर अपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है. जैसे आपका द स्कूल इज आवर्स, लेट अस क्लीन इट केयरलेसली, तो केयरफुली, केयरफुली. द एलिफेंट्स लाफ्ड थिंकिंग हाउ बिग, बिग का हो गया स्मॉल. बॉयज एट फर्स्ट वी लाउड, लाउड यानी जोर से, तो धीरे से का क्या होगा, क्वाइटली, है ना, QUIETLY. यू ऑल आर डैश स्टूडेंट्स, बैड है तो बैड का हो गया गुड. डैश पार्ट्स ऑफ इंडिया, रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रीज. फ्यू यानी कुछ, मैनी. ओके, ये आपको मैंने एक करके बता दिया है. अब हम ये आपको करने बाकी के. स्पेंड यानी खर्च करना, तो बचाने को क्या कहेंगे, सेव. इंक्रीज, डिक्रीज, लॉस्ट, फाइन, हॉट, कोल्ड. अब आ गए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप द अपोजिट्स वर्ड्स टू दैट इज गिवन इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस. सेम जो अभी किया था वही, एवरीथिंग, एनी, एवरीथिंग मतलब हर चीज़. तो एवरीथिंग का उल्टा क्या हो गया, कुछ भी नहीं, नथिंग. मैनी का फ्यू, वेट, गीला है तो ड्राई, शॉर्ट, डिसलॉयल, ओपन, हेटेड, हेट मतलब हम किसी से घृणा करते हैं, तो क्या आएगा, लव करना. फास्ट, इवनिंग, इजी, ये आपको खुद को फिल करने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. सो नाउ एक्सरसाइज 3, द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक चूजिंग द अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स. बहुत इजी है इसको भी. जो रेड कलर में अंडरलाइन किए हुए हैं उनका अपोजिट्स आपको ऊपर वाले बॉक्स से फाइंड आउट करना है. लाइव आपको जो अंडरलाइन करे हुए उसके इस बॉक्स में से आपको वर्ड्स ढूंढने. लाए मतलब झूठ बोलना, तो ट्रूथ मतलब सच बोलना. वी शुड गिव अप बैड, बैड का यहाँ पर उल्टा होगा कहीं ना कहीं, गुड. द पार्क ऑफ मैनी कॉलोनी इज डर्टी, डर्टी का क्लीन. लव गर्ल्स एंड गर्ल्स के साथ में बॉयज, मैन एंड वुमेन. इसी तरीके से आपको सर्च करने हैं, उसमें से आप बॉक्स में से फाइंड आउट करेंगे और सर्च करेंगे. थर्ड, अ पेयर ऑफ अपोजिट्स वर्ड्स इज गिवन इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ सेंटेंस बिलो, चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. अब आपको क्या करना है, टू टाइप्स के अपोजिट्स दे रखे हैं, उनमें से जो सही है आपको लगता है कि सुटेबल है वो आपको उसमें डालना है. ओके, प्रणायाम शुड बी डन ऑन एन. अब प्रणायाम आपको भरे पेट करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, तो एम्प्टी. सिट डैश ऑन द मैट, कामली या नॉइसली, शांति से बैठो या शोर शराबे से बैठो, तो शांति से. कामली का मतलब होता है शांति से. मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डैश अंडर एलिफेंट बिग फीट, तो जो चूहों के घर हैं वो एलिफेंट के पैर के नीचे डिस्ट्रॉय होंगे या सेव होंगे. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, तो नष्ट या सेव मतलब बचना, तो डिस्ट्रॉय, ठीक है. ही आज सम ऑफ द डैश रेड्स इन हिज ग्रुप एंड कम अलॉन्ग. ही आज सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स. वी डिड नॉट डैश दीज बिट्स ऑफ पेपर, वी डिड नॉट कलेक्ट तो होगा नहीं, कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए, नहीं, थ्रो करना चाहिए. और कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में. वी विल मेक अवर क्लास, हमें अपनी क्लास को क्या करना चाहिए, क्लीन. लॉर्ड राम गॉट
डैश भगवान राम को क्या मिली थी? हार मिली थी या जीत मिली थी रावण पर? तो विक्ट्री। दशहरा इज सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ बैड या गुड इविल? गुड। अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत थी तो गुड आ गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डज नॉट डिसलाइक टू स्टडी और लाइक टू स्टडी? लाइक टू स्टडी। ऐसे बच्चे की कहानी है जो ही डज नॉट लाइक टू स्टडी, जो पढ़ाई को पसंद नहीं करता था। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दीज, वार्निंग के बावजूद भी लोग बाग इन हार्मलेस या हार्मफुल, हार्मफुल आएगा, हार्मफुल चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो हार्मफुल। समझ में आ गया? ये भी आपको कॉपी में करने है, ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी कॉपी में करनी है, ये सारी एक्सरसाइज आपको आपकी कॉपी में करनी है। ठीक है, अब देखिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स दे रखे इनके अपोजिट लिखना है, यदि आपको कोई नहीं आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। बिग, कामली, कलेक्ट, वीक, लाइक, राइट, ब्यूटीफुल, काइंड, स्ट्रांग, मैनी, डिस्ट्रॉयड, गो, हार्मफुल, एम्प्टी, लव, हार्ड, रिच, ओल्ड, जस्ट, डाउन, समथिंग, ऑनर, ऑनर का डिसऑनर हो जाएगा, आदर अनादर है ना, एंड सून, सून मतलब जल्दी, तो लेट का क्या होगा, लेट, देरी से लेट, कूल, ओपन, बैड, और ये देखिए बोर्ड पेपर में आए हुए ये दो, ये आपको लिख रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज आपकी कॉपी में, इफ़ यू हैव फेयर कॉपी तो फेयर कॉपी में करेंगे, इफ़ यू हैव रफ कॉपी तो रफ कॉपी में करेंगे, और करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं अभी इनके फ़ोटो खींच कर आपको भेज रही हूँ ताकि आपको करने में ईजी रहे। ओके, तो ये मैंने आज एंटोनम्स आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।